उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इससे पहले लोक भवन में भाजपा के विधायकों को एक डिनर दिया गया था। इस बैठक में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। लगभग 200 विधायकों की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रदेश चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने टिकट के दावेदारों को आगाह करते हुए कहा कि टिकट मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन टिकट की दावेदारी को लेकर किसी विधानसभा में कोई होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए तो पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लोक भवन में आयोजित इस डिनर पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान यहां मौजूद विधायकों को इस बात की सीख दी गई कि सदन के भीतर और सदन के बाहर किस तरह का आचरण होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने ही वाले हैं। डिनर पार्टी में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए सभी को चाहिए कि वो कम से कम 75 लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करे। जो खेल से जुड़ा व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी फील्ड से जुड़ाव रखता हो, इससे पार्टी को काफी फायदा मिलेगा।